जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, त्रिलोकनाथ पशुपति शरण तुम्हारी आए, पाद लगाए शरण तुम्हारी आए, हर हर महादेव। रामेश्वरम श्रावण प्रवास अपनी पूर्णता की ओर है। पूरे महीने भर ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह हैं, ऐसा लग रहा था जैसे ही अपने पिता की गोद में खेल रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं अन्य जगह पर हैं। लेकिन अब रामेश्वरम का ये श्रावण प्रवास अपनी पूर्णता की ओर है, और ये तो पहले से ही तय था कि लौटते समय मदुरई स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में दर्शन किए जाएंगे, और उसके बाद कन्याकुमारी अंतरीप जाया जाएगा जहां विवेकानंद स्मारक शिला के दर्शन करेंगे। आते समय पंबन ब्रिज के दृश्य पूरी तरह ले नहीं पाए थे, तो अब लौटते समय पंबन ब्रिज को अच्छे से हमने कवर किया, और एक रोमांच से भरा सफर पंबन ब्रिज का। 2 से 3 किलोमीटर लंबा ये समुद्री पुल, ये जो दिख रहा है ये रोड ट्रैफिक, और हम जो चल रहे हैं वो रेलवे ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक से रेलवे ट्रैफिक पहले हमें दिखा दिया था, और अब रेलवे ट्रैफिक में चलते हुए, रेल में चलते हुए और रोड ट्रैफिक वाली पुलिया को हम दिखा रहे हैं। और ये वो पुल का हिस्सा जो जहाज के आने पर ऊंचा कर दिया जाता है और जहाज नीचे से निकलते हैं। हर हर महादेव। सर्वदा भक्त दुखा सर्वदा
इस प्रकार रामेश्वरम से मदुरई का यह सफर प्रारंभ हुआ और पंबन ब्रिज का बड़ा रोमांचक दृश्य हमने देखा। मंडपम स्टेशन निकल रहा है और इस प्रकार मदुरई के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। मदुरई जो दक्षिण भारत की मथुरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम मदुरई जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। जय हो। अब मीनाक्षी सुंदरम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, उसके हम दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। लीजिए, हम मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में मंदिर पर पहुंच गए हैं और इस प्रकार का सुंदर दृश्य मंदिर का यहाँ नजर आ रहा है। देखिए किस प्रकार की कलाकृति है। असंख्य मूर्तियाँ इस गोपुरम में स्थित है अनेकों देवी देवताओं की। बहुत नाम सुना था मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का। मदुरई वैसे दक्षिण भारत की मथुरा कही जाती है, मंदिरों की नगरी है, अनेकों मंदिर यहाँ हैं, लेकिन जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की है। देखिए कितनी उन्नत शिल्प का यहाँ उपयोग हुआ है और दक्षिण भारत के बड़े मंदिरों में शुमार आज इस मंदिर को देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मीनाक्षी यानी माता पार्वती और सुंदरेश्वर यानी भगवान भोलेनाथ। हर हर महादेव। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में हम दर्शन के लिए आए हैं। मोबाइल वगैरह यहीं जमा होंगे, मोबाइल अंदर नहीं जाने देते और जूता स्टैंड भी यहाँ है निशुल्क। मदुरई जिसे दक्षिण भारत की मथुरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो यहाँ शिव विष्णु मुरुगन स्वामी एवं शक्ति के अनेकों मंदिर हैं, अनेकों। मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है, किंतु मदुरई की मुख्य पहचान मीनाक्षी शिव सुंदरम मंदिर ही है जो विश्व के विशालतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पांड्या राजवंश का शासन रहा है और उसकी कथा इस प्रकार है कि देवराज इंद्र को जब ब्रह्महत्या का पाप लगा था तो तीनों लोकों के विभिन्न तीर्थों में घूमते फिरे थे इंद्र, किंतु यहाँ कदंब वन में आकर के उनको ब्रह्महत्या का दोष जो लगा हुआ था वो दूर हुआ। ये जो मदुरई का ये स्थान है जहाँ मीनाक्षी सुंदरम का मंदिर है, इसे कदंब वन भी कहा जाता है। यहाँ उन्हें कदंब वृक्ष की जड़ में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हुए थे
और यहीं स्थित सरोवर में लगे स्वर्ण कमलों से देवराज ने भगवान शिव की पूजा की थी उस शिवलिंग की, और संतुष्ट होकर के देवलोक गए। इस स्थान की प्रसिद्धि बड़ी तो पांड्या नरेश राजा कुलशेखर ने यहाँ पूजा अर्चना की और इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया और मदुरई नगर की स्थापना कुलशेखर महाराजा ने की। राजा कुलशेखर पांड्या के पुत्र मलयध्वज पांड्या को संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी सहित इस स्थान पर विराट यज्ञ किया था और इस यज्ञ कुंड से आदिशक्ति स्वरूपा त्रिवृक्षा, तीन वक्ष जिनके थे, ऐसी 3 वर्षीय कन्या प्रकट हुई और साथ ही आकाशवाणी भी सुनाई दी कि जब इस कन्या को उपयुक्त वर की प्राप्ति होगी तब इसका एक वक्ष हट जाएगा। यही देवी मीनाक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिनसे विवाह के लिए स्वयं शिव जी सुंदरेश्वर के रूप में आए थे। तम 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 मीनाक्षी शिव सुंदरेश्वर मंदिर में समान भव्यता लिए 2 मंदिर है जिनमें एक तो मीनाक्षी अम्मन माता का यानी पार्वती माता का और दूसरा मंदिर सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। वहां मंदिर विशालता और शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। भारत के विशालतम शिव मंदिरों में से एक है ये मीनाक्षी शिव सुंदरम मंदिर और शिल्प कला की तो कहा जाए क्या। यदि पूरी शिल्प का अगर दर्शन किया जाए तो यूं मान के चलो कि 1 महीना भी कम पड़ जाए एक एक मूर्ति को देखे तो। असंख्य मूर्तियां इस मंदिर की दीवार के चारों तरफ, 5 गौपुरम है इसके और मूर्तियों से भरे पड़े हैं सब कुछ। बड़ी अद्भुत कलाकृति का नमूना ये मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। जय माँ मीनाक्षी, जय शिव सुंदरम, हर हर महादेव। वही काउंटर पर भगवती मीनाक्षी अम्मन और भगवान सुंदरेश्वर भगवान शिव का लड्डू प्रसाद भी उपलब्ध होता है जो कुछ शुल्क देकर के लिया जा सकता है। अंदर ही एक सरोवर है कुंड जो बड़ा पवित्र माना जाता है और गंगा के समान इसके जल को मान्यता दी जाती है। और अब हम आए हैं अलगर कोविल मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि ये भगवती मीनाक्षी के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे। गोविंद माधव श्री कृष्ण है मुरारे आए शरण तिहारी
भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, उनका मंदिर बड़ी मान्यता है दक्षिण भारत में भगवान शिव के इन ज्येष्ठ पुत्र की, देव सेनापति की। ये भगवान स्वामी कार्तिकेय के वाहन मयूर, ये गांधी स्मारक संग्रहालय यहाँ है, जिसका 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था। यह है स्वर्ण कमल सरोवर, जहाँ इंद्र ने स्वयंभू शिवलिंग की अभिषेक करके, तपस्या करके और सिद्धि पाई थी, ब्रह्महत्या से मुक्ति पाई थी। इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का विजिट हमने किया, दर्शन किए, आनंद आ गया। 5 गोपुरों से संपन्न मीनाक्षी सुंदरेश्वर का ये मंदिर, वास्तव में यहाँ का अनुभव बड़ा ही अप्रतिम रहा, बड़ा ही क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है, बड़ा आनंद हो गया। जय माँ मीनाक्षी अम्मन और जय हो भोलेनाथ सुंदर। दम 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 रूप